सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। टॉपिक वीडियोस में आज का हमारा टॉपिक है पैरेलेक्स मेथड। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, जैसे कि हमें मून की डिस्टेंस देखना है कि चांद कितना दूर है या कोई प्लैनेट है वो कितनी दूरी पर है, तो हम सिंपल स्केल से कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे सामने आता है पैरेलेक्स। पैरेलेक्स क्या है? इज़ अ नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम दो अलग अलग पोजिशंस से देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसकी पोजिशन हमें चेंज लगती है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए आप कोई काम करना पड़ेगा। जो भी आपके पास पेन या पेंसिल या मार्कर हो उसको आप अपनी आँख के सामने रखिए थोड़ी दूरी पर और उसको देखिए। एक बार अपनी राइट आई से देखिए लेफ्ट आई को बंद करते हुए, ठीक है, एक ही आँख से देखना है आपको, तो आप देखिए उसकी पोजीशन कहाँ दिख रही है। दोबारा अपनी राइट आई को क्लोज करिए और लेफ्ट आई से देखिए, तो देखेंगे दोनों में आपको पोजीशन चेंज लगेगी। इसी चेंज इन पोजीशन को जो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रही है इसे हम पैरेलेक्स कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं व्यू पॉइंट ए का है, किसी स्टार को ये देख रहा है, तो जब इसको देखेगा तो इसके इसी लाइन में ही तो देखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही तो आदमी देखता है, तो इसको ये ब्लू वाला बैकग्राउंड छुपा हुआ लगेगा, लगेगा ये स्टार ये ब्लू वाले बैकग्राउंड के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको दिखेगा कि ब्लू बॉक्स के सामने ये स्टार है। वहीं जब बी पॉइंट से हम देखेंगे तो ये हमको रेड वाले के सामने दिखेगा। आप देख सकते हैं व्यू पॉइंट ऑफ बी इस तरह से दिख रहा है। एक वीडियो से और अच्छे से हम समझते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं मेरे सामने एक मार्कर रखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं ये मार्कर है, और ये दो पोजीशन मैंने बनाई है। अब हम इसको दो लोकेशन से देखेंगे। तो देखिए मैंने ये राइट साइड अपने कैमरे को लेकर गया हूं, तो आप देख सकते हैं मार्कर की पोजीशन हमको लेफ्ट साइड वाले ब्रश के सामने दिख रही है। अब कैमरे को मैं लेफ्ट साइड लेकर जा रहा हूं, लेफ्ट पोजीशन से देख रहा हूं, तो मुझे राइट साइड वाला ब्रश छुपा हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं जब मैंने राइट साइड से देखा तो ये मार्कर करीब यहां सामने आ रहा था। ओके, राइट साइड से जब मैंने देखा, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो यहां पर पहुंच गया है। यानी जब मैंने अपनी पोजीशन चेंज की देखने की तो ये मार्कर की पोजीशन मुझे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब देखिए मार्कर भी नहीं मूव कर रहा है और पीछे जो ब्रश है वो भी मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें ऐसा लगेगा कि मार्कर ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो यही चीज मैंने समझाने की कोशिश की थी इस वाले डायग्राम से। तो चलिए एक और डायग्राम से इसको समझते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हमने ओ नाम दे दिया। अब एक बार हम इधर से देखते हैं इस ए साइड से, तो हमें दिखेगा कहां पर, इस लाइन में दिखेगा, ऐसे इस तरफ देखेंगे हम। वहीं दोबारा हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और यहां बी पर आ जाते हैं। अब बी से हम देखेंगे तो ये हमको यहां दिखेगा, ठीक है। अब हम इस दोनों को मिला दें तो एक ट्राइंगल जैसा बन गया। अब ये ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, यानी जितना हमने पोजीशन चेंज की है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, उसी को हमने एक नाम दे दिया, वो क्या, बेसिस। बेसिस दे दिया और इसको हम जनरली बी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल बी से। अब ये ए और ए से के बीच में कोई डिस्टेंस डी रही होगी, बिल्कुल हमने स्ट्रेट वर्टिकल ही पोजीशन चेंज की है, तो ये ओ और बी की पोजीशन डिस्टेंस भी डी रही होगी। इनके बीच कुछ एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। ओके, अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क यहां पर क्या होगा, अगर हम यहां से एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है, तो हमें एक सर्किल का हिस्सा नहीं लगेगा ऐसे पूरा, हम अगर सर्किल खींच दें तो ये जो हिस्सा होगा ये पूरा एक एक सर्किल का टुकड़ा ही नहीं लगेगा। तो बस एंगल क्या है हमारा, यहां पर थीटा है और आर्क हमारा आर्क ए बी है। ओके, और रेडियस हमारा क्या है, यहां से ओ और ए या ओ बी की डिस्टेंस क्या है, डी है। अब जो एंगल होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा होने से क्या फायदा होगा कि हम ए बी डिस्टेंस को, जो ए और बी के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको हम मान सकते हैं कि ये बराबर है आर्क ए बी से,
क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल हम ले लेते हैं और यहां से एक आर्क हम सेट करते हैं, ठीक है। एक हमने यहां से ये बना लिया, दूसरा एक कम एंगल वाला हमने ले लिया, ओके। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला जो ब्लू वाला है, एंगल कम होने की वजह से इसका आर्क जो है और जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो बराबर हो गई है। वहीं यहां पर डिफरेंस आ जाएगा आपको, ये रेड वाला देख रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए हम एंगल बहुत थोड़ा लेते हैं। ये मुश्किल से 1 डिग्री या उससे भी कम लिया जाता है ताकि हमारा जो आर्क और जो स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा उसमें फर्क ना हो। तो आपने देखा कि हम इस एंगल की मदद से, इस मेथड की मदद से किस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से जो हमारे पास आया, इससे डिस्टेंस निकालना हमारे लिए कितना आसान है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ए बी है अपॉन थीटा हो जाएगा, और थीटा याद रखिएगा ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, डिग्री में नहीं रखना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर फिर वैल्यू रखना है। तो सिंपल ए बी बाई थीटा आपका आ गया, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अब मेजर कैसे किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ की सरफेस है और यहां पर कोई प्लेनेट है या हम मून मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है। अब एक बार हम यहां से देखते हैं, इसको ए पॉइंट हमने मान लिया और एक बार इधर से देखते हैं, ठीक है। अब जब ए पॉइंट से हम देखेंगे, तो जब ए पॉइंट से देखेंगे तो हमें कुछ इधर मून दिखेगा और जब बी से देखेंगे तो कुछ इस तरफ दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल से अगर एक हम लाइन खींच दें इधर भी और इस तरफ भी, तो हमें पता चलेगा कुछ थीटा 1 डिग्री हमें अपने टेलीस्कोप को टिल्ट करना पड़ेगा, तिरछा करना पड़ेगा, तब हमको ये मून दिखेगा या प्लेनेट दिखेगा। इसी तरह बी पोजीशन से भी हमें कुछ थीटा 2 डिग्री से देखना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर हम इसमें से एक बीच में लाइन खींच दें, तो आप जानते हैं सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा 1 ये है तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, और ये थीटा 2 एज इट इज थीटा 2 यहां हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो थीटा होगा टोटल जो एंगल होगा बीच में वो क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां से हम एंगल निकाल लेंगे और इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमको पता होगी, ठीक है। हम अर्थ पे तो मेजर ही कर सकते हैं कितनी दूरी है, ये आपका बेसिस हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिस हो जाएगा। तो आपका एंगल इज इक्वल टू ए बी बाई जो डिस्टेंस होगा डी, हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये डी डिस्टेंस है जिसको हमको मेजर करना है, तो डी कैसे निकलेगा, वही जैसे हमने अभी पढ़ा ए बी बाई थीटा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। अब एक और चीज जो इसमें समझने की है कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट हमारा दूर होता जाएगा तो उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा, यानी इस मेथड की कोई लिमिट है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कितना भी दूर कोई ऑब्जेक्ट हो हम उसको, या कोई भी प्लैनेट है या कोई स्टार है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी एक लिमिट है। वो इसलिए कि हम जब दूर होते जाएंगे तो हमारा एंगल वो छोटा होता जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहां पर हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है इस पोजीशन पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो जाता है तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां पहुंच गया। अब ये थीटा, ये एंगल जो है वो कम हो जाएगा, वो कोई थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको अगर थीटा 1 माना था और ऑब्जेक्ट दूर चला गया, अब इस पोजीशन पे देखेंगे कि एंगल और छोटा बन गया थीटा 3। या अगर ऑब्जेक्ट हमारा करीब आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख रहे ये एंगल बड़ा होता गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इतना दूर होता जाएगा एंगल उतना छोटा होता जाएगा। तो एंगल हमारा जब बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 डिग्री का अगर हम 3600 से डिवाइड कर दें तो ये आता है आपका 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड हो जाएगा, उससे भी कम अगर पहुंच जाएगा, तो आपके लिए मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने पहले यहाँ ए और बी माना था, तो अब हम इसको और दूर कर देंगे, ए डैश और बी डैश। तो हमें बहुत दूर स्टार की अगर डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, एक वीडियो में इसके एक और चीज़ अब देख लेते हैं। तो ये वीडियो आपने देखा था, अभी मैंने दिखाया था
कि मैं राइट साइड से देखूंगा और लेफ्ट साइड से देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हमको दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और करीब ले आते हैं। ये हम ऑब्जेक्ट को करीब लाए। अब देखिए, मैंने सिर्फ अपने फ़ोन को, अपने कैमरा को उतना ही मूव कराया है जितना पहले केस में था, लेकिन अब जो मार्कर है वो मेरा और करीब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, राइट से देखा तो कहाँ बना, और अब मैं लेफ्ट साइड अपने कैमरे को लेकर गया हूँ तो देखिए पोजीशन। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, ये देख सकते हैं पहले जब मार्कर हमारा दूर था तो इन दोनों की जो मार्कर की पोजीशन में चेंज वो कम था, जैसे ही मैंने करीब लाया तो ये पोजीशन बदल गई। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो कम है और यहाँ पर जो थीटा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार है काफ़ी दूर है, उसको मेज़र करने के लिए हम एक और टेक्निक लगाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सन है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर अर्थ है। अब आप जानते हैं कि पूरे एक साल के अंदर ये चक्कर लगाकर अर्थ सूरज का वापस आती है, तो एक बार इस तरफ होगी और दूसरी बार मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अब कोई स्टार है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्टार प्लैनेट से काफ़ी दूर होगा। अब इसकी पोजीशन को हमको पता करना है कितनी दूर है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर से मेज़र कर लेंगे इसको, ठीक है, और एक बार इधर से मेज़र कर लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें स्टार की पोजीशन चेंज हुई है, तो एक दूसरा स्टार जो बहुत ज़्यादा दूर होगा, यानी इतना दूर होगा कि हम चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें हमेशा हमको उसी पोजीशन में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस साइड राइट साइड पोजीशन पर हूँ अर्थ पे, तो मुझे वो दिखेगा बिल्कुल सीधे अपने सर के ऊपर, स्टार कोई हमने फिक्स कर लिया, बहुत दूर स्टार था तो हमें यहाँ दिख रहा था कि बिल्कुल ऊपर है सर के, और फिर मैं जब यहाँ पहुँचा तो भी मुझे अपने सर के ऊपर ही दिखा बिल्कुल सीधे स्ट्रेट इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये इतना दूर है कि मेरे इतना घूमने के बाद भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आप देखते हो जो आपके पोल्स होते हैं वो कितना तेज़ी से मूव करते हुए दिखेंगे, और थोड़ी दूर पटरी होता है वो भी बहुत तेज़ी से जाता होता है, लेकिन वहीं अगर चांद या सूरज पर अगर आप देखें या तारे की तरफ देख रहे हो, स्टार्स की तरफ, तो आप देखते हैं ट्रेन काफ़ी दूर चली जाती है लेकिन उसके बाद भी वो स्टार या वो मून उसी जगह दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी दूर है हमसे, इसीलिए एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को यानी एक बहुत दूर के स्टार को हमने देख लिया, अब उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजिशन देखेंगे कि ये अगर सर के ऊपर है तो हमने टेलीस्कोप से यहाँ देख लिया कि ये स्टार कहाँ है। वही लॉजिक सेम, थीटा वन यहाँ बनेगा, थीटा टू यहाँ बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ थीटा बन जाएगा। ये डिस्टेंस हमको पता ही होती है कि अर्थ कितना, किस ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे, ओके। दूसरा काम एक ये हो सकता है कि इस पैरलैक्स मेथड से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज़ पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मून का साइज़ हमको पता करना है कि भैया मून कितना बड़ा है, तो हम यहाँ अर्थ पे हैं और यहाँ से एक बार टेलीस्कोप से इसके इस कॉर्नर को, इस लेफ्ट कॉर्नर को हमने देख लिया, दोबारा हमने इसके राइट कॉर्नर पर फोकस कर दिया है, ठीक है, तो बीच का एंगल हमको मिल जाएगा थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम पोजिशन नहीं चेंज कर रहे हैं, हमें चूंकि डायमीटर मेज़र करना है, तो ये डिस्टेंस आपको पता करनी है, एंगल आपके सामने आ गया है, डिस्टेंस आप पुराने मेथड से पता ही कर लोगे कि मून हमसे कितना दूर है, तो यहाँ से इसका डायमीटर भी आप निकाल लेंगे वही मेथड, कि डायमीटर क्या होगा, जो इससे दूरी होगी, फॉर एग्जांपल एस हम मान लेते हैं, एस डिस्टेंस दूर है, यहाँ से जो मून और अर्थ की दूरी है उसको एस मान लेते हैं, तो एस इंटू थीटा हो जाएगा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए। अब एक आदमी है उसको एक टावर को देखना है, ठीक है, और पता करना है कि टावर कितना दूर है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ दी हुई है, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। अब टावर को देखिए, टावर को जनरली क्या होता है, टावर होगा तो कुछ हाइट होगी, और हाइट होगी तो वो देता कि कोई टावर है ए बी हाइट का, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक सिंबल यूज किया है टावर सी, इसका मतलब टावर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, उसकी हाइट की कोई बात नहीं की गई। तो एक बंदा यहाँ पर ए पोजीशन पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर सी कोई टावर है उसको देख रहा है, और उसी लाइन के अंदर बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट को वो देखता है, ठीक है, इसी लाइन में ऐसे देखते हुए जाता है तो बैकग्राउंड में इसको एक और ऑब्जेक्ट दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा वो ऑब्जेक्ट।
स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, तो इसका भी नाम उसने ओ दे दिया। इन लाइन विद ए सी ही देन वॉक परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। अब ये ए सी से परपेंडिकुलर जाता है यहां से और ये किसी बी पोजिशन पर पहुंच जाता है। अब इसके बीच की डिस्टेंस वो 100 मीटर हमको दी हुई है और वो फिर से सी की तरफ देखता है, इस तरफ सी की तरफ वो फिर से देखता है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, अब चूंकि ओ बहुत दूर है, द डायरेक्शन ऑफ बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ, तो ये बी पे पहुंचेगा ना तो भी उसको एकदम सीधा ही दिखेगा, एकदम सीधा ही दिखेगा। जैसा कि भी हमने पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि बहुत दूर है तो कहीं पर अब चले जाएंगे उसी पोजीशन पर आपको दिखेगा, वो चेंज ही नहीं हो रहा है जैसे, तो अभी भी इसको यही दिखेगा। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ द साइड ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइड बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। लेकिन उसको लगेगा कि ये अब सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है बल्कि हमें थोड़ा सा और डाउनवर्ड देखना पड़ रहा है, तो ये कुछ थीटा दिया हुआ है आपको और इसकी 40 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, जिसे पैरेलक्स का नाम दिया गया। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो भैया ए सी निकालना है आपको, सिंपल कैसा निकालेंगे, थीटा आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, बेसिस आपका क्या हो जाएगा, ये ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी जो कि 100 मीटर्स है। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, टैन थीटा क्या होगा, थीटा ये है, परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी अपॉन ए सी, ए सी ही हमको निकालना है, तो ए बी अपॉन टैन थीटा। अब टैन 40 डिग्री की वैल्यू आप पुट कर देंगे और ऊपर 100 अपॉन टैन 40 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 119 मीटर्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 degree 54 minutes। तो यहां पर मून है और यहां पर हमारा अर्थ है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट यानी डायमीटर के हिसाब से एक बार इधर से देखेगा ए पॉइंट से, एक बार बी से देखेगा, ठीक है, इस तरफ। तो डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, यहां से ऐसे, और एंगल आपको दिया है 1 degree 54 minutes और अर्थ का आपको डायमीटर दिया हुआ है यानी ए बी दिया हुआ है 1.276 × 10⁻⁷ meters और थीटा दिया। अब इस थीटा को हम चाहे तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए पूरा, या आप मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मेरे हिसाब से डिग्री में कन्वर्ट करिए, ज़्यादा आसान होगा, जिस हिसाब से आपको वैल्यू दी होगी उस हिसाब से आपको देखना है कि किस में सूटेबल पड़ेगा। तो इस 54 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, 54/60 करेंगे यानी 0.9 degree आ जाएगा, तो 1 degree 54 minutes की वैल्यू आएगी 1.9 degree, तो थीटा आपका 1.9 degree आ जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी ले देके 3.32 × 10⁻²² रेडियन। तो अब डिस्टेंस आपको क्या दिखेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ये जो थीटा आपने रखा है, तो ए बी आपको पता है 1.276 × 10⁻⁷ meters अपॉन ये थीटा वाली वैल्यू रख के जो आंसर आएगा आपका 3.84 × 10⁸ meters। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सन है, एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड, ठीक है। अब आप जानते हो कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 1 degree में 60 minutes होते हैं और 1 minute के अंदर 60 seconds होते हैं, तो इस हिसाब से 1 degree के अंदर 3600 seconds होंगे। तो इस 1920 को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 1920/3600 और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 9.31 × 10⁻³ रेडियन। ओके, तो सन का ये डायमीटर हमको मेजर करना था, यहां पर अर्थ से हम देख रहे थे, ठीक है,
यहाँ अर्थ से हम देख रहे थे। तो ये डायमीटर क्या आएगा, जो थीटा होगा इनटू जो डिस्टेंस एस मान लेते हैं। तो थीटा आपने निकाल लिया 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। तो इसका आंसर आएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।